बसंत का मौसम, खूबसूरत फूलों के रंग, भीनी भीनी खुशबू। जी हाँ, हम मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार। आज का रंग तरंग बेहद खास रहने वाला है क्योंकि हम मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग देश भर से आए हुए हैं मुगल गार्डन की सैर करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर सैर करने के लिए नहीं आ सके हैं तो घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज हम आपको सैर कराते हैं इस मुगल गार्डन की। मुगल गार्डन के मुख्य गार्डन की बात करें तो विशाल स्क्वायर गार्डन के इस बेहद खूबसूरत हिस्से में फूलदार डेकोरेटिव पेड़ पौधे और फव्वारे तो हैं ही, पास ही में रंग बिरंगी वैरायटीज के साथ निराली छटा बिखेरता और इठलाता खूबसूरत ट्यूलिप भी लोगों को खूब भा रहा है। यहाँ 14,000 ट्यूलिप है जो सिर्फ जनवरी से लेकर मार्च तक ही खिलते हैं, इसलिए यहाँ के मौसम में इन्हें देखना एक अनोखा अनुभव होता है। यहाँ खुशबू बिखेरने वाले मोगरा, मोतिया, रजनीगंधा, रात की रानी, जूही और चंपा चमेली भी बहुत खास होते हैं। वाह, क्या नजारा है! सचमुच बहुत खास है ये मुगल गार्डन। कहीं पीले रंग तो कहीं गुलाबी रंग, और खास तौर पे ये गुलाबी फूल तो आपको सचमुच बहुत अट्रैक्ट करने वाला है। हमारे साथ इस मुगल गार्डन की देखभाल करने वाले माली मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वेदराम जी, आप कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और इस बार का जो मुगल गार्डन है वो किस मायनों में खास है? ये 36 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और इस टाइम मुगल गार्डन बहुत बढ़िया है और रंग बिरंग जो है फूल हैं, पौधे हैं और कई वैरायटी यहाँ अलग अलग लगा रखे हैं। मिशन पर ये है अलिशियम है और इसके बाद वो कारी आपिस है, जो फूला फिला फूल है ये कारी आपिस लगा रखे हैं हम। हाँ, ये अपने टाइम पर ये भी बहुत अच्छा खिलेगी, अभी तो खिल रही है। यहाँ पर रोज गार्डन भी है जहाँ क्वीन एलिजाबेथ, मदर टेरेसा, एंजलिक, ब्लू मून, ब्लैक रोज और एल्कोहोमा, ब्लैक बकारा और ग्रीन रोज जैसे गुलाबों की 135 किस्में हैं। बेहद खूबसूरत नजारे वाले इस गार्डन में बीचों बीच में पानी का सुंदर ताल है। चारों ओर महकदार बेले और कमनीयता बिखेरते फूल भी हैं। लंबी सांस खींचने पर यहाँ पर मिली जुली खुशबू दिलो दिमाग में बस जाती है। देश और विदेश से पर्यटक इन सुंदर नजारों का लुत्फ लेने यहाँ पहुँचते हैं। It's amazing, yeah, very beautiful. लास्ट ईयर से ज्यादा अच्छा है इस बार, बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, काफी मतलब मच बेटर, पहले से ज्यादा अच्छा है काफी। 12 महीने में एक बार खुलता है, इसकी कुदरती इतनी अच्छी है जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, हर साल आता हूँ मैं। ट्यूलिप्स बहुत अच्छा है यहाँ पे और बहुत सुंदर है, अभी फरवरी में तो ये खुलता है तो अमेजिंग। मैं यहाँ यूपी से आई हूँ सिर्फ मुगल गार्डन देखने के लिए। बहुत सुना था यहाँ के राष्ट्रपति भवन के और मुगल गार्डन के बारे में, बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम तरीके के फ्लावर्स हैं, रोज की कई सारी वैरायटीज हैं, ट्यूलिप्स हैं, चाइनामैन फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। संगीत की धुन पर नाचते पानी का नजारा तो सचमुच बहुत खास होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आजादी के बाद से अब तक हर साल इस गार्डन में जरूर आते हैं। स्वतंत्रता के बाद ही इसको शुरुआत हुई है और जनता तब आती थी। इनफैक्ट जब उतने सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थे तो जब 26 जनवरी और 29th को बीटिंग रिट्रीट समाप्त होने के बाद जनता पूरा अंदर तक आती थी और अंदर पूरा आके देखती थी, घूमती थी, राइट अप टू दरबार हॉल के ऊपर तक। हम भी अपने बचपन में वहाँ आए हैं और पूरा अंदर घूमे हैं। तब बहुत ही जनता को, जनता और अपने इस जगहों के बीच में ऐसी कोई सिक्योरिटी की बैरियर नहीं थी, कुछ नहीं था, लोग आते थे, आराम से आते थे, घूमते थे, देखते थे, चले आते थे। यहाँ आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जनरल आज तो 14,000 कुछ के करीब है, 14,741 के करीब है और संडे में सैटरडे में ज्यादा आ जाते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस मुगल गार्डन में आना सचमुच एक अनोखा एहसास है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। फरवरी का महीना रंग प्रेमियों और कला प्रेमियों के लिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि इसी महीने में भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो देर किस बात की, आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में और देखते हैं भारत रंग महोत्सव।
फरवरी का महीना रंग प्रेमियों और कला प्रेमियों के लिए खास होता है, क्योंकि इसी महीने भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े भारत रंग महोत्सव यानी भारंगम रंगमंच महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भारतीय संस्कृति एवं मान्यताओं की झलक दिखाता 19वां भारत रंग महोत्सव कोलकाता के मशहूर कलाकार SM अजहर आलम द्वारा अभिनीत और निर्देशित नाटक गेंडा की प्रस्तुति से नाटककार ने दर्शकों को आईना दिखाकर सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम किस ओर जा रहे हैं। नाटक में एक काल्पनिक शहर का दृश्य दिखाया गया है। निर्देशक ने अपने इस नाटक के जरिए समाज को बखूबी संदेश दिया है कि हर हालत में अपनी इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। प्यार मर्दों की कमजोरी है, औरतों की भी कमजोरी भी मान मत लेना। मुझे बेचैनी हो रही है, ये जो हमारे आसपास है इनकी ताकत इनकी एनर्जी। इस नाटक में रचनाकार ने एक काल्पनिक शहर का दृश्य दिखाया है, जहां हर एक पात्र एक गेंडे के रूप की तरह सख्त चमड़ी और पत्थर दिल होता जा रहा है। देखिए, इस प्ले में एकदम खुला मैसेज ये है कि इंसान की जो प्रवृत्ति है, जो खसलत है, अब इंसान इंसान नहीं रह रहा है, वो जानवर की शक्ल में तब्दील होता जा रहा है। यानी इंसान के अंदर में इंसानियत ख़त्म हो रही है, खुदगर्जी ज़्यादा आ रही है। किस तरह से उन्होंने एक ज़िद पकड़ ली थी कि नहीं, वो इंसानियत पर टिके रहेंगे। पूरी दुनिया बदल गई, सब बुराई की तरफ चले गए, लेकिन वो एक इंसान अपने ज़िद पर अड़ा रहा, नहीं मैं इंसान हूँ तो मैं इंसान ही रहूँगा, मैं सबकी तरह गेंडा नहीं बनूँगा, मैं सबकी तरह जानवर नहीं बनूँगा। इसके विपरीत एक इंसान अपने स्वभाव में किसी भी तरह के बदलाव और आंच नहीं आने देता है और अंत तक अपनी इंसानियत पर कायम रहता है। सैटेलाइट फेस्टिवल के तहत भारंगम इस बार कुरुक्षेत्र, पटना, हैदराबाद, अगरतला और पुणे में आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि इन शहरों के दर्शक भी चुनिंदा देश विदेशी प्रस्तुतियों को देख सकेंगे। मैं सिर्फ अकेला हूँ और कोई भी यहाँ इंसान नहीं है जो उसको उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सके। रंग तरंग, DD न्यूज। एक रास्ता है, उन्हें समझाया जाए, लेकिन क्या समझाया जाए? क्या बदलाव का चक्र उल्टा घूम सकता है? क्या सुबह का भुना हुआ शाम को घर वापस आ सकता है? नहीं, मुझे कोशिश करनी चाहिए, मुझे उन्हें समझाना चाहिए। आपने सबने बचपन में नुक्कड़ पर, चौराहों पर कठपुतली का डांस जरूर देखा होगा, लेकिन वो नाचती ठलाती इतराती कठपुतली अब मानो कहीं गायब सी हो गई है। लेकिन अगर आप कठपुतली का डांस देखने के शौकीन हैं और देखना चाहते हैं तो हम आपको ये मौका जरूर देंगे। आपको लिए चलते हैं इशारा इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल में, जहाँ पर आपको ये मौका जरूर मिलेगा। होम स्वीट होम फिलिस्तीन की दो लोक कथाओं पर आधारित है, जिसमें एक बच्चा अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण खुद को काफी अकेला समझने लगता है। लेकिन ये उसकी माँ के अथक प्रयासों का ही नतीजा है, जिसने उसे शारीरिक तथा मानसिक दोनों तौर पर मजबूत बना दिया। दरअसल ये कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो खुद को असक्षम महसूस करते हैं, और ये उनके अंदर छुपी खूबियों को एक मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प में परिवर्तित करने की कोशिश करता है।
प्राचीन संस्कृति को पेश करने के इस नायाब तरीके को लोगों ने खूब सराहा है। फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि देश विदेश से आए कई कलाकारों ने एक मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। आयोजकों की माने तो इस तरह के कार्यक्रम पूरे विश्व को एक मंच पर लाकर जोड़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत बनाते हैं। ये जो फेस्टिवल है इशारा थिएटर पपेट थिएटर ट्रस्ट, ये अभी 15 साल से चल जा रही है फेस्टिवल और इसमें लगभग ऑलमोस्ट 100 से ऊपर देश ने भाग लिया है, पूरी दुनिया से आए हैं पपेटियर्स। तो पहले छोटी मतलब फेस्टिवल से शुरू हुआ था और अब काफ़ी बढ़ गया है। बहुत सारे देश हुए जो एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं और 3-4 साल पहले इसी मंच पे अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, यूएसए, स्पेन सब एक साथ, इजराइल और ईरान एक स्टेज पे। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्टिस्टों को मिलने। यहाँ इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित ये कार्यक्रम गुड़गांव के एक अस्पताल और टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में भी आयोजित किया गया। इशारा इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल के 15वें संस्करण के दूसरे दिन फिलिस्तीन से आए कलाकारों ने होम स्वीट होम नामक इस पपेट शो में प्रस्तुति से यहां दी गई प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई के एक ऐसे आर्ट फेस्टिवल का नजारा जिसे काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इस फेस्टिवल की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए, इसमें शिरकत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उत्सव के रंग में रंगा कला और संस्कृति का ये अनोखा संगम मुंबई की खास पहचान है। इसे लोग काला घोड़ा फेस्टिवल के नाम से पहचानते हैं। 8 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में आपको हर वो रंग देखने को मिलेगा जिसकी ख्वाहिश एक कला प्रेमी को होती है। इस फेस्टिवल का मकसद न सिर्फ मुंबई की संस्कृति और परंपरा को संजोना है बल्कि इसे दुनिया की नजरों में लोकप्रिय भी बनाना है। यहाँ अलग अलग संस्कृति के रंग देखकर शायद भूल जाएंगे कि आप माया नगरी मुंबई में हैं। रंग बिरंगे कलाकृति जैसे कि विशिंग ट्री, फ्लाइंग हॉर्स और ह्यूमन ट्री को देखकर आपको ऐसे सुकून का एहसास होगा मानो लंबे समय से आपको इसी पल का इंतजार था। कला और मस्ती के इस फेस्टिवल में हर उम्र और वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास है। फेस्टिवल में हर स्टॉल की अपनी अलग खासियत और पहचान है। कई स्टॉल तो ऐसे हैं जिसे देखकर आप बचपन की यादों में खोने पर मजबूर हो जाएंगे। यही नहीं, यहाँ पर कला, संस्कृति और मस्ती के साथ ही विकास की झलक भी देखने को मिलती है। मुंबई मेट्रो के तीसरे फेज के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके रूट और संचालन के बारे में भी बताया गया है। यहाँ की गलियों में थिएटर, कलाकार से लेकर डायरेक्टर तक अपने टैलेंट का हुनर आजमाते हुए दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि ये फेस्टिवल मुंबई का इकलौता ऐसा मंच है जहाँ पर मौके अनलिमिटेड हैं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रंग तरंग, डीडी न्यूज। पेंटिंग कला की एक ऐसी विधा है जिसके जरिए एक व्यक्ति बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। रंगों में डूबे ब्रश जब कैनवास पर उतरते हैं तो कलाकार की मनोस्थिति का अंदाजा बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। आपने बनारस के घाटों के बारे में तो सुना ही होगा, आइए आपको दिखाते हैं ऐसी ही एक पेंटिंग का नजारा जिसमें बनारस के घाटों का सौंदर्य दिखाया गया है। त्रिवेणी कला केंद्र में जाने माने कलाकार आनंद नारायण के चित्रकला की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आनंद नारायण ने अपनी चित्रकला के माध्यम से बनारस के पावन घाटों की एक झलक को पेश करने की कोशिश की।
मानो बनारस शहर को दिल्ली तक अपनी कला के माध्यम से लोगों के बीच खींच लाए हों। बनारस की झांकी को दर्शा रहे उनके चित्र अत्यंत मनमोहक थे, साथ ही साथ ये चित्र वर्णनात्मक भी थे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए आनंद नारायण ने अपने चित्रों को एक कविता के माध्यम से भी बयान करने की कोशिश की है। मेरे चित्रों में कल के गांव का, धूप और छांव का खूबसूरत सा शिष्टाचार है। घाटों के किनारे होने ना होने का एक एहसास है। घाटों के किनारे होने ना होने का एक एहसास है। और मेरे चित्रों के विषय कुछ खाली पड़े खेतों में, मेरे चित्रों के विषय कुछ खाली पड़े खेतों में और कुछ आसपास हैं, कुछ आसपास हैं। आनंद नारायण समकालीन भारतीय कला के क्षेत्र में अपने प्रयोगों के लिए पहचाने जाते हैं और बनारस श्रृंखला की इन कृतियों को देखकर आप उनकी प्रतिभा का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। रंग तिरंग, डीडी न्यूज। कभी आपने सोचा है क्या कि संगीत की धुन पर पानी की लहरें नृत्य कर सकती हैं? क्योंकि हमने अक्सर लोगों को नृत्य करते देखा है। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे नृत्य के कार्यक्रम में जो आमद द्वारा आयोजित कराया गया था और यहाँ पर बेहद शानदार नृत्य देखने को मिला। ऐसी कला है जिसने घरों से निकलकर अपना एक अलग मकाम हासिल किया है। ऐसे ही एक कार्यक्रम अंतरंग का आयोजन आमद द्वारा दिल्ली के संगीत नाटक एकेडमी में हुआ, जिसमें करीब 100 से भी अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया। कलाकारों को कला से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। ट्रेडिशनल आर्ट है, ये एक ह्यूमन वैल्यूज को ट्रांसफर करती है, एक हमें हमारे जैसे लोगों के यानी ह्यूमन बीइंग में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ट्रेडिशनल आर्ट का जरिया जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट है। इसलिए ये जो फेस्टिवल है इसमें हम अपॉर्चुनिटी भी देते हैं बच्चों को और उनकी शख्सियत उनके काबिल को भी सामने लाने की कोशिश करते हैं। अंदाजे रक्स इस कथक डांस में पर्शियन सभ्यता के योगदान का अनुभव होता है। इसमें नृतकों का पहनावा पर्शियन से प्रेरित होता है। तरह के आइटम्स किए गए थे, जैसे कि हम लोगों ने पहले नाचत सुढ़ंग कि कृष्ण किस तरह से चाल चलते थे, किस तरह से खूबसूरती से जो चलते थे वो दिखाया। उसके बाद अंदाजे रक्स हुआ, सूरदास का श्री नंद नंदन नाचत सुगंध ताल रूपक और तीन ताल से प्रस्तुत किया गया है।
जो ये युवा पीढ़ी है और किशोर पीढ़ी है इस कला को संभालेंगे आगे चलकर। ये हमारे बहुत अमूल्य कला है कथक नृत्य कला, क्योंकि ये एक नृत्य के माध्यम से हमारे देश की जो परंपरागत जो कथाएं हैं उसको दर्शाती है। राग बागेश्वरी में जब तराने पर नृत्य की प्रस्तुति दी तो दर्शकों का मन मोह लिया। तरंग डीडी न्यूज। इसी के साथ राष्ट्रपति भवन से रंगतरंग के इस बेहद खास एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये बेहद खास एपिसोड आपको भी बहुत पसंद आया होगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें अपना फीडबैक भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rangtarangddnews@gmail.com। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और कला और सांस्कृतिक जगत की ताज़ा गतिविधियाँ लेकर। तब तक के लिए रंगतरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।